आई एम डन विद माई डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट और ये मैंने पहना था फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे ताकि इट इज़ ईजी फॉर द स्कैन. ऑल्सो दिस इज लाइक वेरी लूज एंड कम्फर्टेबल फॉर मी. सो इट टुक अस मोर देन 2.5 hours इवन दो वी हैड अपॉइंटमेंट टूडे बट वी आर डन. माई हस्बेंड इज पेइंग फॉर ऑल द स्कैन्स नाउ. Hospital completely done with the whole day and right now I'm in the Novena mall and this is the place when I moved to Singapore for the first time. My office was here, just 5 minutes walk from this mall, that is like United Square building. And so the old memories, and I used to come to this mall a lot after office to shop and stuff like that. And we used to live very close by here, so even when my husband was moved to Singapore, we used to be in this mall. I think Shona is just coming for the first time, so yeah. And we are here to eat some lunch because in hospital there wasn't enough option in the food court. And yes, I'm running short of breath. Yes, I have to take those t-shirts for Ranveer. Yehi main bol rahi thi ki Clarke mein milte hain. शोना तो पहले ही हाथ छोड़ के चला गया है. एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ टी शर्ट्स इन हियर और वो लाइट्स जलते हैं उस टी शर्ट पे. अभी खाना खा के आते हैं फिर देखते हैं बच्चा. तो एक्चुअली वो लाइट्स जलते हैं उस टी शर्ट्स पे, तो वो क्लार्की में मिलते हैं और सम टूरिस्ट प्लेसेस पे मिलते हैं. सो आई हैव टू गो एंड गेट दैट फॉर हिम. बट पहले आई वी नीड टू हैव सम लंच. सो लेट्स हैव अ वर्ड विद माई हस्बैंड. सो हाउ आर यू? या गुड. हाउ इज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट? इट वाज गुड. How did you feel? ठीक है, it's good. Everything is good. Everything is good. Okay. Yeah, we got to see the heartbeat of the baby in the appointment today, and the doctor said it is 6 weeks today. So this is what I was expecting. So I am on track. I was expecting to be 6 weeks today, but after they checked the fetal size and heartbeat, everything is normal, and it is the 6th week. They have given a estimated due date, but then they will give me a confirmed due date in my next appointment. So let's see what they say on my next appointment. For now there are a lot of toys in here, so Ranveer is getting distracted, so I will get back to you guys in a while. So yeah, there are a lot of t-shirts for girls also, but yeah, here, take it Ranveer. Happy? Yes. So guys, now it's evening time. I think it's 8 PM और आफ्टर कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल आई स्लेप्ट सो गुड. बहुत ही अच्छी नींद आई मुझे और मैं थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं अच्छे से सोई. फिर शाम को उठे, चाय पी, देन आई हैड सम समोसा एंड आफ्टर दैट आई ऑल्सो हैड सम फ्रूट्स. ऑरेंजेस बहुत खा रही हूँ मैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, रिफ्रेशिंग लगते हैं और मन भी अच्छा करते हैं. सो आई हैड सम फ्रूट्स एंड एप्पल एंड ऑल दैट. और उसके बाद बहुत सारे पैकेजेस आए थे रणवीर के, कपड़े आए थे, तो आई चेक्ड ऑल दैट. तो इसी में पूरी शाम निकल गई. इट्स टाइम फॉर मेकिंग सम डिनर.
So I'll go and make some dinner. My husband is gone out to playground to take Ranveer. Because today he was at home, so I took advantage of this. I took a little rest. And I wanted to say that today's update, everything was great. I saw the child's heartbeat. And everything was good. बस एक छोटी सी चीज़ है जो डॉक्टर ने मुझे बताई. दे टोल्ड मी कि आई हैव अ सिस्ट इन माय यूट्रस, वो भी ऑन द राइट साइड ऑफ द यूट्रस. तो उसको दे विल मॉनिटर. सो वो ही एक चीज़ है जो मुझे कंसर्न कर रही है, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई नेवर हैड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. उसके अलावा जो भी बीपी, डायबिटीज़, ब्लड शुगर लेवल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. और फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी सब कुछ नॉर्मल था, तो वो सब कंसर्न्स नहीं है. पर अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ सिस्ट विच दे चेक टुडेज अल्ट्रासाउंड. सो आई हैव अनदर अल्ट्रासाउंड आफ्टर 4 weeks, एंड दे विल बी डूइंग 2 scans, वन इज़ फॉर द सिस्ट एंड वन इज़ फॉर द बेबी. सो लेट्स सी कि डॉक्टर क्या बोलता है. तो मेरे को वो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड थोड़ा बहुत कंसर्न रहेगा, बिकॉज आई डोंट नो. आई जस्ट वॉन्ट दैट सिस्ट. समटाइम्स इट डज हैपन दैट द सिस्ट नेचुरली गेट्स डिसॉल्व. द डॉक्टर टोल्ड मी इट्स अ वाटर सिस्ट, सो आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट शी मीन्स बाय वॉटर. Otherwise baby is healthy and growing and it has a heartbeat. So, and it's very tiny right now. So 4 weeks ke scan ke baad I will see. Yeah, I do have a scan in here which I can show you. Here is my first baby scan. Ab wo jo chota sa white color ka dot aap dekh rahe ho, wo yolk sac ke andar baby hai. बहुत खुशी होती है व्हेन यू सी योर बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो या दैट्स द थिंग. तो दैट्स द ओनली अपडेट गाइज. आई वॉज थिंकिंग अबाउट द सिस्ट इन द इवनिंग, टॉकिंग टू माई हस्बैंड अबाउट दैट. सो लेट मी नो इफ यू एवर हैड सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इन योर प्रेगनेंसी. लीव योर कमेंट्स सो दैट आई ऑल्सो नो वॉट टू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर. अदर देन दैट आई एम जस्ट होपिंग दैट आई हैव दिस हेल्थी प्रेगनेंसी. My baby should be healthy. That's the only concern I have right now and that's what I want. Other than that, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे packages आए थे, so I will show you. See यहाँ पे कितने सारे सामान रखे हुए हैं. Actually these are the tie, bow tie. और नीचे ये रणवीर की shirts, pink shirt, और ये blazer. So ये सब आया था. So अभी भी ये सब घर पे फैला हुआ है. मैंने fold करके सब रख दिया है, but I have to keep it back somewhere secure. So that's it. I hope you guys enjoyed this tiny mini vlog. I don't know how it was this. And yeah, I am showing in KK Hospital in Singapore, if I haven't told yet. In my first pregnancy also, I showed in KK Hospital. And this is one of the best hospitals in Singapore for me personally, because I always had amazing experiences with the hospital, the nurse, the doctor and the staff. So I'm also keeping my fingers crossed that this time also I have good experience in the hospital. And more, this is 160 years old hospital in Singapore, so they have a lot of experienced and senior consultants. So I'm going to show a senior consultant today. My appointment was an urgent appointment because I really wanted. This is always a crowded hospital, so you really need to take your appointments 2 months in advance. So I have my scheduled appointment with the doctor that I want to show in October, that is I think 10th of October. But before that I scheduled this unscheduled appointment today, and the next one is on 29th of September. So yeah, that's it guys. I think I'm running out of my words right now and out of breath also. I do have lot of nausea started and vomiting and all that, and tiredness and laziness. So that's why I just want to take some rest. And right now it's evening time, so only I have to make dinner, that is cooking in my mind. Maybe I'll talk to you guys in later vlog, but I think you guys enjoyed this one. And do let me know about the cyst. Pregnancy mein agar cyst kisi ko hua hai, if you know any experiences, leave me in the comment section, that would help me. Thank you so much for watching this vlog guys. I love you all. And I will catch you in my next video soon. And if you haven't subscribed to my YouTube channel SuperPrincessjo, make sure you click on the subscribe and hit on the bell icon as well. And join me in my pregnancy journey. Bye.